बार सरजमीन शाद बार, ईश्वरे हसीन शाद बार, तू निशानी अजमे आली शान, अर्ज़े पाकिस्तान मर्कज़े यकीन शाद बार। अभी आपने कौमी तराना सुना है, यकीनन आपने ये पहले भी सुना होगा। जब आप सुबह सुबह स्कूल आते हैं तो फिर आप कौमी तराना यहाँ पे पढ़ते हैं दुआ के बाद। कौमी तराना कैसे पढ़ते हैं आप? अदब से खड़े होके पढ़ते हैं। कौमी तराना हर मुल्क की पहचान होता है। ये सोशल स्टडीज की बुक है। आज हम इसमें यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे, आवर नेशनल एंथम, यानी हमारा कौमी तराना। हर मुल्क का अपना एक कौमी तराना होता है। कौमी तराना एक नज़म है जिसमें ये बताया गया है कि उस मुल्क के रहने वाले लोग अपनी सरजमीन के बारे में क्या सोचते हैं। कौमी तराने की खास अहमियत है और ये खास मौकों पर पढ़ा जाता है, जैसे कि 14 अगस्त यानी हमारी आज़ादी का दिन, इसके अलावा 23 मार्च जिसे करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई। इन तमाम मौकों पर कौमी तराना पढ़ा जाता है। जब भी कौमी तराना पढ़ा या सुना जाए तो आप अदब से और एहतराम से खड़े हों और कौमी तराना सुने। सिर्फ अपने मुल्क का नहीं, दीगर ममालिक का भी कौमी तराना जब भी पढ़ा या सुना जाए तो हमें इज्जत और एहतराम के साथ खड़े होकर कौमी तराना सुनना चाहिए। अब हमारा यूनिट नंबर 7 कम्प्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।